वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज मैं जा रहा हूँ सारनाथ। बनारस से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है गूगल मैप से। तो अभी बज रहा है अप्रॉक्स 11:10 हो रहा है, और अभी निकलते हैं, चलते हैं सारनाथ। गाड़ी स्टार्ट कर। वेलकम है जी आपका बनारस की गलियों में। देखिए कैसे कैसे लेके जाएगा। बनारस में इतनी पतली पतली गलियाँ हैं ना भाई, कि एक हम लोग वहाँ जितना दरवाज़ा होता है वहाँ पे रोड है, लोग उसी में बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। आपको देखने को मिलेगा उस दिन का ब्लॉग जिस दिन मैं देव दीपावली के लिए गया था। मतलब कल तो मैं कहीं नहीं गया था क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करना था, पर अब देखो यहाँ से राइट लेने के लिए कह रहा है, आपको राइट में जगह ही नहीं है। अब चूतिया गूगल मैप है। अब किधर लेफ्ट, अब राइट, राइट लेना है। चलिए चलते हैं। अरे तू जा रही मन कर रहे थे अंकल जी, डिग्गी खुल गया है आपका। चलिए 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 चलिए। हेलमेट अभी भी बहुत कम लोग आते हैं, प्लीज़ यार हेलमेट लगाया करो बाइक पे। हेलमेट ज़रूरी है क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। चलान से तो हम लोग बच ही जाएंगे, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है ना। और ज़िंदा रहोगे तो भाई चलान भी भर दोगे, अगर मर गए तो, या कुछ हो गया, सिर में चोट लग गया, या कुछ भगवान ना करे किसी को कुछ हो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, अब इसको कैसे जीना है यू नो बेटर वेल। मेरा तो यही, मैं तो यही कह सकता हूँ कि हेलमेट लगाओ, स्वच्छ रखो भारत। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। कुछ चीज़ें हैं जो सबको ध्यान रखना चाहिए, एक लोगों से नहीं सही होगा इंडिया। और जैसे बहुत लोग हैं अवेयर हैं कि हेलमेट पहनना ही है, और बहुत लोग हैं तो नहीं हैं अवेयर, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो अवेयर है भाई, वो जो कम से कम पहने, अब पहनते हैं ऐसा कोई बहुत, मेरे घर में सब कोई पहनता है। अब जब से मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब, तब से मैं भी पहनने लगा हूँ, और मैं इसीलिए ट्राई भी करता था पहले पहनने का। एक बैग आदत नहीं बनता है किसी भी चीज़ का। किधर चलना है अपने को? 500 मीटर बाद राइट, नहीं लेफ्ट, राइट लेफ्ट में बहुत कन्फ्यूज होने जाता है। कमेंट बताइए आपको भी अगर होता है तो। स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, यही काफ़ी बढ़िया दिन है यार। जितना जी रहे हैं लोग जी रहे हैं, टेंथ तक का काफ़ी सही रहता है माहौल, क्योंकि उस समय बस पढ़ाई रहता है, घर पे कोई प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन टेंथ के बाद तो बच्चे नीट में घुस जा रहे हैं, जेई में घुस जा रहे हैं, कुछ सीए में घुस जाते हैं, उनका मेंटल प्रेशर वही जानते हैं भाई। नो वन कैन बिलीव दैट कि वो कितने प्रेशर में रहते हैं बच्चे, और कोई कुछ कहता नहीं है। इसका मतलब अब वो बच्चे बहुत कम बोलते हैं, किसी से कुछ कहेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, बस उनको टेंशन रहता है कॉलेज का, और कोई दिक्कत नहीं होता। और सीए में तो भाई, और नीट में तो भाई भरे पड़े हैं हमें लोग। जेई का क्या 2 साल में होता है, अब जैसे मैंने भी तैयारी किया, नहीं हुआ तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, मतलब दुख तो आज भी होता है और लाइफ टाइम दुख रहेगा, और होना भी चाहिए, तभी आदमी आगे मेहनत कर पाएगा। नहीं तो छोड़ देगा आदमी ना वो दर्द को, तो फिर छोड़ देगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा। सोनार पूरा। बाइक में पेट्रोल भी भराना है। काफ़ी आवाज़ चेंज हो गया है यार बनारस आने में इसकी, क्योंकि पावर नहीं है ना उतनी। मैं घींच के तो नहीं लाया था, 60 पे चल रहा था मैं, पर ठीक है जो भी है, यही साथ दे रही है। चलना भाई, यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट।
बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। कहाँ जाऊँ हुआ है बेमतलब का जो हॉर्न बजाता है, मंत्र करता है उसको कि अलैकुम सर, कंट्रोल। इंडिया में कुछ ज़्यादा ही हॉर्न बजाते हैं तो बेमतलब का हॉर्न बजे, और जाम लगा हुआ है तो कहाँ जाएगा आदमी, कोई पैं 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 अरे उड़ के चले जाओ। 5 minutes later भाई साहब क्या ट्रैफिक लगा है, जीप तक नहीं रहा है, बस एक लोग की गलती की वजह से ना इतना ट्रैफिक लगा है। एक जो कार वो दिख रही है ना ब्लू वाले, अच्छी दिख रही होगी, थोड़ी बहुत दिख रही होगी, उसने पूरा जाम कर रखा है, धुआं खराब हो जाता है, एक लोग की गलती की वजह से जाम लग जाता है। तो लोगों के रिएक्शन बहुत तगड़े होते हैं, देखते हैं कि क्या कैमरा में लगा के घूम रहा है। ठीक है, जो करना है वही कर रहे हैं भाई, चल ले साले ये कर रहा है। हाँ आया 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 आया, थैंक यू बड़ी थैंक यू। लेडी ड्राइवर थी, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सही चलाई यार, खूब तेज काटा उसने, काफ़ी बढ़िया, फॉरेनर थे सब। चलो 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 निकलो 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 ब्लड भाई निकल लो वही तो निकल लो निकल ले यार अब। चलो 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 तुम्हें क्यूट क्यूट से है ना, आते तो मैं एक लूँगा उसके लिए। वर्ल्ड में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है फिनलैंड का, और फिनलैंड में क्या है, बच्चों को 6 साल तक कुछ पढ़ने ही नहीं दिया जाता है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, फिर स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं। 6 साल के बाद उनका स्कूल में एडमिशन होता है, तो कुछ तो अलग होगा ना वहाँ का, तभी वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वही फिनलैंड का। इंडिया में क्या है, अभी 2 साल का बच्चा हो नहीं रहा है, स्कूल भेज दो, स्विमिंग क्लास भेज दो, डांस क्लास भेज दो, इसको पोयम सिखाओ, इतना प्रेशर डाल दे रहे हैं ना, फिर कहते हैं लोग बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा। अरे जब ग्रोथ का टाइम है तो आप उस पर ये कर लो वो कर लो कहेंगे तो कहाँ से ग्रोथ होगा, मत कहिए यार उसको। अब गीता पढ़ाइए, शिव पुराण पढ़ाइए, मतलब पूरा मतलब एक तरह से कहूँगा जो अगर 6 साल से अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको अभी से आप आदत जला दोगे ना गीता पढ़ने का और शिव मतलब वेदों का, हम कहूँगा मैं वेदों का बात करूँगा, अगर पढ़ाने का आदत डाल दिए भाई बेस्ट है, इतना कुछ सीख लेगा ना वो बच्चा कि हम लोग से बहुत आगे जाएगा। और हम क्या है 20 साल के हो गए हैं, कुछ जानते ही नहीं अपने कल्चर के बारे में, हिंदू कहने के लिए हैं बस हम लोग, और हिंदू के नाम पे धब्बा हैं हम लोग, ना शिव पुराण पढ़ा है, मैं गीता तक नहीं पढ़ा हूँ, मैं महाभारत रामायण कुछ नहीं पढ़ा हूँ, बस देख लिया है वीडियोज़ में, उसी से जो भी जानते हैं उसी से। अब भाई बनाने वाला कहीं गलत बना देता हो, ऐसे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी होती हैं कि बहुत पिक्चरें उल्टा पुल्टा बन जाती है, फिर पोस्टर फटाते हैं तो इस फिर उसके बाद वो सही करते हैं, तो ये काफ़ी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इंडियन क्या है ना डिपेंडेंट, पढ़ना तो चाहते ही नहीं हैं हम लोग। और जब बात आई कल्चर की तो हम लोग क्या है, कोई हमारे भगवान के बारे में कोई कुछ कह देगा हम लोग सुन लेंगे, ऐसे सुनते थे लोग खींच के दो उसको एक को। अब मैं बराना से कोई बोला बहुत सेकुलर टाइप का था मैं, अभी भी हूँ, लेकिन यहाँ पर आके ना वो होता है कट्टरता आ गई है मेरे में थोड़ी सी, लेकिन हाँ मैं सब रीजन का रेस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मेरे लिए छोटा है बड़ा है, सब भाई सबका अपना अपना चॉइस है, सब आप
अपने मन के मालिक हैं भाई। किसी के आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं कुछ पढ़वा दोगे और किसी से आप कुछ नहीं करवा दोगे। हम लोग नार से इस साइड से दूसरे साइड आ गए। हम लोग एक वहाँ पुल था, फिर एक यहाँ भी पुल है। ये भी अभी घाट सी है, देखो घाट अभी तैयार हो रहा है, ये पूरा घाट ही है। कौन आ गया भाई? फॉर्चुनर इनोवा। कार देख के तो मज़ा ही आ जाता है, ये तो आवाज है। लेकिन अब सबकी अपनी अपनी पसंद है, कुछ कह नहीं सकते हो कि कोई क्या लेगा। 8 किलोमीटर का 24 मिनट दिखा रहा है, जाम होगा बहुत तगड़ा। 8 किलोमीटर का तो 8 मिनट में पहुंचना चाहिए, ना 24 3 गुना टाइम दिखा रहा है। पर क्या कुछ कर नहीं सकते हैं, आप दूसरी जगह हो, दूसरे का नियम है, किधर चलना है। अरे इतना खतरनाक कर भी है यार, अभी भी कर्व है, अजीब हाल है पूरा। ये घुमा दे भाई, सर्कल बना दे अभी। अरे तेरी तो कितना घुमाएगा भाई, अभी जाके खत्म हुआ। वाह वाह मेरे वाह, मरहबा मरहबा अंडर पास। सोचो आपके पास अंडर पास हो, सुपर बाइक हो, अंडर पास आप अपनी सुपर बाइक लेके जा रहे हो, ऊपर से उसमें एग्जॉस्ट लगाओ, हूँ करो, मज़ा आ जाएगा। आएगा वो भी दिन, आएगा जल्दी आएगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन आएगा। डायरेक्ट मैं स्विच नहीं कर सकता ना भाई, अभी ये 100 सीसी की बाइक है और बजट ही नहीं है एक तरीके से कहूँ तो, पैसा ही नहीं है भाई, इसी से काम चल रहा है भाई। बहुत सही है, आवाज़ भी बहुत चेंज हो गया है इसका, पहले जैसे थी वैसी नहीं हो गई, नहीं रही है अब, पर ठीक है। यहाँ से हमको राइट लेना है, देखो दिखा रहा है गूगल मैप में टर्न लेफ्ट और मैप में दिखा रहा है राइट। देख रहा है तब भी मुड़ रहा है चूतिया। ऑटो वाले कुछ ज़्यादा ही रंगबाजी दिखाते हैं सब, जब चूतिया है गूगल मैप भांग पी लिया है क्या, टर्न लेफ्ट दिखा रहा है चूतिया और अब है घूमना राइट में, पूरा नशा कर लिया है ये भी। लोग कहते हैं कि गूगल मैप से आ जाओ गूगल, अरे आ जाएगा सारा बर्बाद हो जाएगा अगर कोई आ जाए तो इससे। अब एक ही रास्ता है तो सीधे चल जाए, सीधे चलूँगा यार, क्या ज़रूरत है घूमने का, जब आगे ही जाकर मिलना है मुझे तो घूमने की क्या ज़रूरत है, सीधे चलो। एयरपोर्ट 15 किलोमीटर, सारनाथ 5 किलोमीटर, सीधे चल लो बेटा सीधे। इधर किधर दिखा रहा है भाई सारनाथ जाना, मतलब रोड मुड़ा हुआ है। मरहबा, देख रहा हूँ ये इंडिया के लोग भाई, बाइक पे बस चलेंगे तो घर अपना लेके चल चले, उसे मैं देख ही चल रहा हूँ, मैं लेके चल ही रहा हूँ, मैं अपना घर ही एक देख, बस उसमें टेंट नहीं है, सब कुछ है, टेंट में ले लूँगा। पर यही है ठंड आ गया है, मैं चाह के भी मुझे हॉस्टल लेना ही पड़ेगा। अरे ये सेंटर हो जाए यार। A few moments later. अभी अप्रॉक्स 750 मीटर बचा है, पहुँचने ही वाला है हम लोग। अब देखो कितना सही लग रहा है रोड एकदम, मंदिर आते ही हरियाली बढ़ जाती है, रोड अच्छे हो जाते हैं, देखो मौ जा रहा है, जा रहा है, काफ़ी सही लग, मतलब बुद्धिस्ट का कल्चर बहुत अलग है।
सारनाथ इसलिए फेमस ही है फॉर बुद्धा, काफ़ी बढ़िया है। अभी लेफ्ट में जाना है हम लोगों, ये जो फ्लैग दिख टाइप का दिख रहा है ना, काफ़ी लक्की माना जाता है बुद्धिस्ट में, बहुत अच्छा होता है। आशीर्वाद लिखा था। इंटर कॉलेज था, मुझे लगा कि पहुंच गए हैं हम लोग सारनाथ। देख रहे हो आप ये फ्लैग्स काफ़ी सुंदर हैं यार। टूरिस्ट को देख के तो भाई, टूरिस्ट जगह काफ़ी भीड़ भाड़ वाली अच्छी लगती हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह, लेकिन वहाँ होच पोच नहीं होना चाहिए, देखो भसड़ नहीं होना चाहिए। ये रहा 91 सेंचुरी आपको मुलनगनखंड। अभी पहुंच गया मैं, अभी मिलते हैं आपसे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।